और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां टारगेटेड किलिंग्स पर सियासत गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती ने पीड़ित परिवार से मिलकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी ने 24 घंटे में आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों की पीठ थपथपाई। जो घर अमरीन के ठहाके और मस्ती से गुलजार रहता था, वहां मातम पसरा है। घर वाले सदमे में हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। कायरो ने उनकी बहादुर बेटी को मौत की नींद सुला दिया। अमरीन नहीं रही, लेकिन उसे लेकर कश्मीर में सियासत तेज है। आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अमरीन के घर पहुंची, घर वालों से मिलकर दुख जताया। माहौल गमगीन था। महबूबा ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलकर बाहर आते ही केंद्र सरकार पर फूट पड़ी। महबूबा ने कश्मीर घाटी में निर्दोषों की हत्या के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा दिया। जम्मू कश्मीर में बेगुनाहों का, खासकर कश्मीरियों का, चाहे वो राहुल भट्ट हो, चाहे शोएब गनाई हो, चाहे वो सैफुल्ला कादरी हो, और आज हमारी बच्ची अमरीना भट्ट हो, तो ये तो एक रोज का मामूल बन गया है। और जो बरकजी सरकार है वो जू की तू है, उनकी जो दो जो उनकी मस्कुलर पॉलिसी है, दबाव की पॉलिसी है, दोस की पॉलिसी है, उसका ये नतीजा है कि दिन ब दिन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर होने के बजाय बिगड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और वो पूरी दुनिया में ये चिल्लाते हुए फिरते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया। ये तो बड़ी अजीब बात है कि जब भी कोई हादसा हो जाता है उसके 12 घंटे 24 घंटे के अंदर अंदर कहा जाता है कि जिसने ये हादसा किया उनको हमने मारी। इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। मैम, एक टिकटॉक या वीडियो बनाने पे मारा गया इसको, तो क्या लगता है? बच्ची थी, अपने रोजगार का इंतजाम कर रही थी, अपने बाप को पाल रही थी, अपने फैमिली को पाल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि रोजगार के लिए घर से निकलना, मेहनत करना, और ऐसे में कोई मारा जाता है तो हमारे में तो कहते हैं वो शहीद है। महबूबा ने हिंसा के लिए केंद्र सरकार को घेरा, तो बीजेपी ने हमले का रुख पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पाक परस्त आतंकियों की कायराना हरकत बताया। सुरक्षा बलों ने 24 घंटे के अंदर बदला भी ले लिया। आतंकी मारे गए तो इधर सियासी सवाल घाटी में शोर करते रहे। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी मुसलमानों के और कश्मीरियों के सबसे बड़े गुनाहगार और दुश्मन हैं। इन आतंकवादियों को इनके गुनाहों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुरक्षा बलों ने अच्छा काम किया है और बड़े 1.5-2 वर्षों में शांति को द्वारा वहां बहाली की है, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड वर्कर्स, इन्फॉर्मर्स वगैरह वहां पर रहते हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए कि हम हैं। एक डिजाइन चेंज करने की जरूरत है उग्रवाद के खिलाफ। कश्मीर में हत्याएं जारी हैं, टारगेट किलिंग भी नहीं थमी, लेकिन सियासी शोर नहीं थम रहे। और यही शोर पलट कर सवाल करते हैं कि आखिर जन्नत में जिंदगी कब महफूज होगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।